वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत की जगह पक्की है, लेकिन टीम में तीसरे पेसर के लिए मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह और आविश खान के बीच जंग जारी है। इस बीच पूर्व सेलेक्टर के श्रीकांत ने मौजूदा सेलेक्टर चेतन शर्मा से मांग की है कि वो वर्ल्ड कप टीम में अर्शदीप सिंह को मौका दे। श्रीकांत ने इस युवा खिलाड़ी पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वो भविष्य में T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सबसे आगे रहेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की पहल की है। इस अभियान का एक एंथम सॉन्ग भी रिलीज किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, आशा भोसले जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ विराट कोहली, KL राहुल, नीरज चोपड़ा जैसे खेल सितारे भी नजर आए हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंथाना ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। मंथाना बतौर सलामी बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं मेंस क्रिकेट में मंथाना से पहले ये कारनामा सिर्फ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किया था। रोहित शर्मा के नाम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में बतौर सलामी बल्लेबाज 2973 रन दर्ज हैं। भारत ने बाबाडोस पर 100 रनों से बड़ी जीत दर्ज कर कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत की जीत के साथ सेमीफाइनलिस्ट टीमों के नाम साफ हो गए हैं। ग्रुप ए से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मेडल की दावेदारी ठोकी है। वहीं ग्रुप बी से मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने नॉकआउट स्टेज में कदम रखा है। ICC ने जुलाई महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर अवार्ड में भारत की रेणुका सिंह को नॉमिनेट किया है। रेणुका के अलावा इंग्लैंड की एमा लेम्ब और नतालीस काइवर को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है। ICC इसी महीने इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में चोटिल हुई इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट चोट से अभी नहीं उबर पाई हैं। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में 14 मेंबर्स टीम के साथ ही खेलेगी। हीथर हिप इंजरी से परेशान है। नाइट की गैर मौजूदगी में इंग्लैंड टीम की कप्तानी नटाली सीवर के हाथ में है। रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम के अर्धशतकों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने 2 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड को 21 रन से हराया। जीत के नायक रहे हेंड्रिक्स ने 53 गेंदों पर 74 रन बनाए। हेंड्रिक्स मैन ऑफ द मैच चुने गए। भारत के सौरभ घोषाल ने मेन सिंगल स्क्वाश में कांस्य पदक मुकाबले में इंग्लैंड के दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी जेम्स विलस्ट्रॉफ को सीधे गेम में 3-0 से पराजित कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वैश सिंगल्स इवेंट में भारत का ये पहला पदक है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 35 साल के भारतीय खिलाड़ी की आंखें नम हो गईं। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन 66 से 70 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार कर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से 12 हो गई हैं। उन्हें वेल्स की रोजी एकेल्स ने 3-2 से मात दी। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्लेड।